हॉलोवीन है और हॉलोवीन की हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम उस कंट्रोवर्सी को एक तरफ छोड़ते हुए सिर्फ फ़न की बात करते हैं, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, घरों में, मार्केट्स में और मॉल्स में कैंडीज लेने जाते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब फ़न करते हैं। तो आए इस फन में आप हमें भी ज्वाइन करें और हम आपको दिखाएंगे कि न्यूयॉर्क में लोग हॉलोवीन को कैसे मनाते हैं। ये हमारा कैंडी का बॉल है, हमारा हॉलोवीन का पम्पकिन, हमारा स्केयरक्रो फ्रेड, ये इसका नाम है फ्रेड, ये मेरा फ्रेंड है। तो आज हॉलोवीन है और हमारा आज बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम है। तो मैं विच हूँ, आप देख सकते हो। तो हमने कैंडी डाल दी है भाई और ट्रिक ऑर ट्रीटर्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो हमारा आज प्रोग्राम है कि हम ट्रिक ऑर ट्रीटिंग जाएंगे, कज़िन भी आएंगे और मैं इतना ज़्यादा कैंडी लाऊंगी, इतना ज़्यादा। तो पहले हम नेबरहुड की हॉलोवीन डेकोरेशन देखने के लिए निकले। तो ये घर बहुत स्पेशल एंड यूनिक है, इन्हें बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ये बहुत क्रिएटिव। कैंडी उन्हें ज़िपलॉक में डाला हुआ है, आई थिंक कोविड की वजह से था। उन्होंने बाहर चिप्स रखी हुई है और उनके पास एक डॉग है। One with peanuts. That's so cute. I'm doing this after how many years, mom? At least 2 years. Yeah, 2-3 years, because then I went through that phase where I'm too old to do it, but then I was like, oh, I'll do it. बच्चे घर पर जाकर कैंडी डिमांड करते हैं और अपने बैग्स को कैंडी से फुल होता देखकर बहुत खुश होते हैं। तकरीबन सभी घर वाले इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाते, जबकि कुछ घर कुछ हॉलोवीन की कंट्रोवर्सीज की वजह से हॉलोवीन में पार्टिसिपेट करना नहीं पसंद करते। बाज़ घर वाले कैंडीज घर के बाहर रख देते हैं और टेक वन का नोटिस लगा देते हैं और बच्चे वहाँ से एक एक कैंडी ले लेते हैं।
वक्त गुजरने के साथ साथ जोश व खरोश बढ़ता जाता है और लोगों की तादाद में इजाफा होता जाता है। कुछ लोग अपनी कैंडी बकेट्स लेकर अपने घर के बाहर ही खड़े होते हैं और बाहर से ही बच्चों को एंटरटेन कर देते हैं। ट्रिक-ट्रीटिंग पे आ गए हैं और हम हर घर में जाते हैं और नॉक करते हैं और वो एक बकेट इतना बड़ा कैंडी का देते हैं। तो ये मेरा बैग है कैंडी का और बहुत ज़्यादा कैंडी है। तो हम कजिन्स के साथ और मानों के साथ जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। नेबरहुड के बाद बच्चे मॉल्स का रुख करते हैं। मॉल्स में मुख्तलिफ शॉपकीपर्स ने भी बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह रखी होती हैं। हम लोगों ने भी मॉल जाने का इरादा किया और मॉल के अंदर भी एक अलग ही समा देखा। बहुत से शॉपकीपर्स के पास कैंडी थी और बहुत से शॉपकीपर्स ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कैंडीज नहीं रखी थी। बच्चे अब कुछ थक चुके थे और 2 घंटे की मशक्क़त के बाद इनके बैग्स भी हाफ कैंडी से फुल हो चुके थे और कुछ आई एम हंग्री का नारा भी लगना शुरू हो गया था। Basically, Achiwali syrup is Molson Media. I'm very excited about that. I'm just gonna stop trick-or-treating or mujhe koi syrup bubble tea de. Bubble tea in general, I love bubble tea. No one else likes it. I don't know why. I love the tapioca. That's my favorite. The bubbles, right? The tapioca. Strawberry and another one. Strawberry. और यहाँ से सबने अपनी पसंद के फ्लेवर की बबल टी खरीदी। यहाँ पे इस छोटे से बच्चे ने बिल्कुल मानव के जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। मॉल में भी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और बच्चे मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स में बहुत प्यारे लग रहे थे और मुख्तलिफ शॉपकीपर से और रेस्टोरेंट वालों से कैंडीज डिमांड कर रहे थे। मैंने कभी भी पोटैटो कॉर्नर नहीं देखा। दे हैव लाइक ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स विद पोटैटोस इन देम बट व्हाट आई जस्ट एट द थिंग बट ये बहुत डिफरेंट चीज है। लेट्स सी
अभी हमने ऑर्डर किया है तो अच्छी spicy fries? They're just like spicy fries. I don't know. ये बच्चा भी हमें मॉल में दिखा और ये इसने टाइगर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और ये बच्चा बहुत क्यूट लग रहा था। बच्चे मॉल में बहुत एक्साइटेड थे और इधर उधर घूम रहे थे। ये बच्ची भी बहुत प्यारी लग रही थी स्केलेटन के कॉस्ट्यूम में। हमने फ्लेवर चेंज किया स्पाइसी हनी बारबेक्यू ना स्पाइसी था और बस भी एग्जैक्टली अमान लिटिल बीज आई कैन पुट एनीथिंग एनीवेयर द होल स्क्विड गेम व्यू लाइक लुक एट दिस मॉम द पिग मोमेंट इज ओवर देयर। मॉल से फारिग होते ही हम रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच गए। हम सबको बहुत भूख लगी हुई थी और खाना बहुत मज़े में खाया गया और कुछ शुगर रश भी था। बच्चे ओवर एक्साइटेड थे और हाइपर थे। What does Isha say? अब शाम हो रही थी और खाने के बाद हमने नज़दीकी मार्केट का रुख किया। यहाँ पर भी बहुत रौनक देखने में आ रही थी। लोग बच्चों के साथ मुख्तलिफ शॉप्स में जा रहे थे और बच्चे जो हैं वो कैंडी डिमांड कर रहे थे। बच्चे मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स में बहुत प्यारे लग रहे थे और कुछ बड़ों ने भी कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। कुछ लोगों के कॉस्ट्यूम्स और गेटअप्स इतने फैसिनेटिंग थे कि उनको रिक्वेस्ट करके वीडियो में शामिल किया गया। Oh my God, इन्होंने कितना ज़्यादा सेटअप किया हुआ है। वाकई में अच्छी खासी मेहनत की गई थी। इस सेटअप को करने में अच्छा खासा वक्त भी दरकार होता है और न्यूयॉर्क में अक्टूबर के एंड में अच्छी खासी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से सारा सेटअप खराब होने का भी खतरा है। They knocked the doorbells and then they ran. बच्चे दरवाजे पर नोक करते ही ट्रिक और ट्रीट पूछते हैं और ज़्यादातर घर वाले उनको ट्रीट देते हैं। ट्रीट के तौर पर कोई मीठी चीज़ यानी चॉकलेट या कैंडीज़ वगैरह दी जाती हैं, जबकि कुछ घर वाले बच्चों को ट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे उनको किसी तरह का प्रैंक करके दिखाएं। इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है, दिस इज़ अमेजिंग। इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी इसमें, कितनी मेहनत लगती है। इट्स ग्रेट। Don't touch them. She turned off. She died. So, ये
ये थी हमारी हॉलोवीन की सेलिब्रेशन एंड फन। ये सारी कैंडी है और ये सिर्फ आधी है, अभी आधी पड़ी हुई है। तो आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। तो बाय बाय।